Hello everyone, I'm Neetu Gell and today we discuss on database architecture and modeling. RDBMS का most important topic cover करने वाले हैं, तो देख लेते हैं कि data modeling क्या होता है. जो generally database का model use किया जाता है वो कौन सा use किया जाता है, ANIC और SPARC model use किया जाता है. तो इसमें ये किस लिए use किया जाता है, क्योंकि ये जितने भी commercial system है, ये research database model है, वो सब इसमें फिट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. तो ये कैसा मॉडल होता है, ये थ्री लेवल्स या थ्री टायर लेवल बोल सकते हैं इसमें यूज़ किया जाता है. तो थ्री जो लेवल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से लेवल होते हैं, एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल. तो पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या है, फिर इसका एक आर्किटेक्चर बनाएंगे, एक डायग्राम से क्लियर करेंगे कि कैसे वर्क करते हैं. तो पहले थ्योरेटिकली देख लेते हैं. तो इंटरनल लेवल कैसे काम करता है, नाम से ही क्लियर है इसको, इंटरनल लेवल. और क्या बोल सकते हैं इसको, एक व्यू लेवल भी हम इसे बोलते हैं. व्यू लेवल मीन्स जिस वे से हम उसको देखना चाहते हैं उसी वे में हमें आउटपुट मिल जाए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, व्यू लेवल. इट इज़ क्लोजेस्ट टू द यूजर, मीन्स ये यूजर के क्लोजेस्ट होता है. दिस लेवल इज़ कंसर्न विद द वे इन विच डेटा आर ऑब्जर्व बाय द इंडिविजुअली. तो ये क्या करता है, इस वे से कंसर्न करता है कि इंडिविजुअली डेटा को देखा जा सके. मीन्स पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक में अकाउंट है, तो जो अकाउंट होल्डर है उसको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि करंट जो अकाउंट है उसमें कितना उसका अमाउंट है, क्या उसका रेट है एंड कैसे ट्रांजेक्शन हुई है, समथिंग लाइक दैट इन्फॉर्मेशन नीडेड. सिर्फ इस टाइप की इन्फॉर्मेशन नीड होती है, लेकिन उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन की नीड नहीं है कि कैसे उस इंटरेस्ट है जो वो कैलकुलेट करता है सिस्टम, या जो अकाउंट है मेरा उसमें किस टाइप की इन्फॉर्मेशन रखी गई, कैसे मेरा डेटा स्टोर किया गया है. ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ उसको एक व्यू चाहिए कि मेरा जो अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या जो करंट अकाउंट है उसमें कितना अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट बना है, कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं लूँगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्सटर्नल लेवल व्यू बोला जाएगा. मोस्ट ऑफ द यूजर ऑफ द डेटा बेस आर नॉट कंसर्न विद द ऑल द इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग इन द डेटा बेस. जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी चाहिए कि मुझे क्या करना है. मीन्स इंस्टेड दे नीड ओनली ए पार्ट ऑफ द डेटा बेस रिलेवेंट टू दैम. और वी कैन से दैट द लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन दैट डिस्क्राइब ओनली द पार्ट ऑफ द एंटायर डाटाबेस, डाटाबेस इज कॉल्ड द व्यू लेवल. मीन्स पूरी डिटेल ना देके, पूरी डिटेल को हाइड करके, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो इन्फॉर्मेशन शो करे, उसको क्या बोला जाता है, एक्सटर्नल लेवल. और कंसेप्चुअल लेवल क्या होगा, कंसेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, ये लॉजिकली काम करते हैं. तो इसमें क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटा बेस. मीन्स जो एक्चुअली डेटा हमने स्टोर किया है कंसेप्चुअल लेवल, उसको दिखाता है. एक्चुअली स्टोर का मतलब ये नहीं है कि फिजिकल लेवल पे वो कहाँ स्टोर है, नहीं, इसका मतलब है कि जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट की एक एम्प्लॉय की, मैंने उसको एम्प्लॉय आईडी दी, एम्प्लॉय नेम दिया, उसका डेजिग्नेशन दिया, ये सब इन्फॉर्मेशन मैं रख रही हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, कंसेप्चुअल. जैसे इन्फॉर्मेशन है मीन्स डाटा एक्चुअली स्टोर्ड इन द डाटा बेस, मीन्स मैंने उसको 101 आईडी दी है, राम नाम का एक एम्प्लॉय है, उसका डेजिग्नेशन जैसे मैनेजर है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं उसके अंदर पुट करूँगी, इसको क्या बोला जाएगा, कंसेप्चुअल लेवल बोला जाएगा. दिस लेवल आल्सो इंडिकेट द रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमंग द डाटा आइटम एट दिस लेवल. डाटा बेस इज डिस्क्राइब लॉजिकली रैदर देन फिजिकली. तो लॉजिकली शो किया जाता है, मीन्स हमें लॉजिकली पता है कि ये इन्फॉर्मेशन जाके डेटा बेस में स्टोर होगी, लेकिन ये नहीं पता कैसे स्टोर होगी, कहाँ स्टोर होगी, वो कंसेप्ट किसका होता है, फिजिकल लेवल का. लेकिन कंसेप्चुअल में क्या है कि इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में हम जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन. और इंटरनल लेवल, इंटरनल लेवल किसे बोलते हैं, फिजिकल लेवल को. मीन्स इंटरनली अंदर कंप्यूटर के अंदर जाके डेटा कैसे स्टोर है, उसको क्या बोला जाएगा, इंटरनल लेवल. तो लोवेस्ट लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट इज देन इंटरनल लेवल, इट इज़ द वन क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस. तो ये फिजिकल स्टोरेज डिवाइस से रिलेटेड होता है. कैसे होता है, क्योंकि इंटरनल लेवल पे ही जैसे हार्ड डिस्क में जो डेटा डाला गया है, जैसे हमने एक एम्प्लॉय की टेबल क्रिएट की है, वो डेटा हार्ड डिस्क या कंप्यूटर की किसी ये सीडी में या मैग्नेटिक डिस्क में हमने जहाँ पे भी उसको स्टोर किया वहाँ जाके वो एक्चुअली कैसे स्टोर है, उसको बोला जाएगा इंटरनल लेवल. हाउ द डेटा आर एक्चुअली स्टोर इन द स्टोरेज मीडियम, द लेवल ऑफ
of the data abstract describe how the data is actually stored in the storage devices called the physical view. तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे काम करता है ये. जैसे कोई भी व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे एक व्यू लेवल है, एक व्यू लेवल यहाँ है और एक व्यू यहाँ है. जैसे व्यू लेवल, व्यू लेवल क्या करेंगे, कंसेप्चुअल लेवल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे. ये हमारा कंसेप्चुअल लेवल है और कंसेप्चुअल लेवल जो डेटा को इंट्रैक्ट करेगा वो कहाँ से करेगा, फिजिकल लेवल से. तो कैसे काम करता है, मीन्स जैसे हमने इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी, जैसे हमने अकाउंट का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास एक अकाउंट है तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि करंट जो अकाउंट है बैलेंस कितना है, इंटरेस्ट कितना बना है और चेक करूं कि भाई इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन लास्ट में हुई है. ये सब इन्फॉर्मेशन लूंगी तो कंसेप्चुअल जो बना हुआ, जो एक्चुअली मेरा डाटा यहाँ स्टोर है, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है, नेम, आईडी, बैंक नंबर, अकाउंट नंबर या जितनी भी ट्रांजेक्शन, मीन्स इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ है, मेरी कंसेप्चुअल में है. इसमें से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, उसको क्या बोला जाएगा, व्यू लेवल. और फिर क्या होगा, व्यू लेवल से जब मैं फिजिकल लेवल पे जाऊंगी, फिजिकली कि ये स्टोर कहाँ है, स्टोर कैसे है, मीन्स मेरा अकाउंट जो है, जैसे मेरे पास मैंने क्या देखा कि मेरा नेम क्या है, नेम मैंने किस टाइप का लिया है, जैसे यहाँ पे मैंने नेम लिया है करेक्टर टाइप का, तो करेक्टर टाइप का जो नेम है उसकी लेंथ मैंने 40 दी है, तो एक्चुअली वो कितनी लेंथ स्टोर करेगा हार्ड डिस्क के अंदर. अब अकाउंट नंबर है, जैसे मेरे पास अकाउंट नंबर, और मैंने जैसे अकाउंट नंबर यहाँ पे किसका लिया है, इंटीजर टाइप का लिया है या नंबर टाइप का लिया है, तो टाइप देखेगा, टाइप बाइट में कि कितने बाइट का डेटा लेगा, जैसे इंटीजर या नंबर सिस्टम लिया है न्यूमेरिकल तो 6 का लेगा. ऑफसेट क्या होगा उसका, जीरो इंडेक्स क्या है, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन डालेगा, एक्चुअली जो डेटा स्टोर है हार्ड डिस्क के अंदर या फिजिकल मेमोरी के अंदर, मींस मेरा जो बैंक अकाउंट है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है फिजिकल मेमोरी के अंदर, वो होता है फिजिकल लेवल. जो ये इन्फॉर्मेशन देगा, जो इन्फॉर्मेशन देगा, जस्ट जैसे इन्फॉर्मेशन हमने उसमें एक्चुअली स्टोर की है कि एक मीन्स राम नाम का एम्प्लॉय है, उसका अकाउंट ये है, और राम जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन चाहता है कि मेरे अकाउंट में कितना करंट बैलेंस है, तो वो सब बोला जाता है व्यू लेवल. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क. तो ये था एक आर्किटेक्चर की कैसे काम करता है. ये हमने लेवल देखा कि कैसे इसमें लेवल काम करते हैं. अब बात करते हैं स्कीमा. व्हाट इज़ द स्कीमा, स्कीमा क्या होती है, स्कीमा वी कैन से दैट ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस इज नोन एज द स्कीमा. द ओवरऑल डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस इज नोन एज द स्कीमा ऑफ ए डेटाबेस. सो ओवरऑल डिजाइनिंग ऑफ ए डेटा बेस वी कैन से दैट दिस इज ए स्कीमा. कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द टर्म स्कीमा शो एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ ए ऑल डेटा आइटम इंक्लूडिंग देयर रिकॉर्ड टाइप, मीन्स किस कौन सा रिकॉर्ड टाइप लेने हैं, रिकॉर्ड टाइप जो स्टोर इन द डाटा बेस. द फर्स्ट थिंक वी मस्ट डू द स्टेप इन डाटा बेस इज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर, नेमली स्कीमा डिफाइनिंग. दिस इज डन बाई आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फील्ड कंटेनिंग इन ए डाटा बेस. और क्या होना चाहिए, वाइल डिफाइनिंग ए डाटा स्कीमा इन ए डाटा बेस वन शुड ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल फीचर नीड ऑफ ऑल टाइप ऑफ द यूजर. मीन्स हम किसी भी, जैसे हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे स्कूल के नाम से एक स्कीमा डिफाइन करना चाहते हैं, एक डेटा बेस क्रिएट करना चाहते हैं स्कूल का, तो उसका ओवरऑल जो डिजाइन डिफाइन किया जाएगा वो क्या इसमें आएगा, स्कीमा में आएगा. तो जैसे मैं इस स्कूल की बात करती हूँ, तो स्कूल में मुझे कैसा रिकॉर्ड चाहिए, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए मुझे, एक टीचर का रिकॉर्ड चाहिए,
और जो स्टूडेंट है उसमें क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, एसआर नंबर हो सकता है, एसआरएन नंबर, एम्प्लॉय की एज और क्लास, मत मीन्स स्टूडेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है वो सब हमने इसमें पहले ही डिफाइन कर लेना चाहिए, और टीचर से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है वो सब हमने स्कीमा में ओवरऑल डिफाइन कर लेने चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि हम स्कीमा में बाद में भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाई करते हुए हमें स्कीमा में क्या होता है, कॉस्ट लगती है और टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसलिए हमें पहले स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, मीन स्कीमा को ऐसे डिफाइन करना चाहिए ताकि हमें बाद में मॉडिफाई ना करना पड़े, हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों बच जाए। इसलिए स्कीमा डिफाइन करते हुए हमें पहले उसके हर फीचर को देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें यूज हो सकता है। तो ये तो थी स्कीमा के बारे में बात। अब आती है सब स्कीमा। ये थी स्कीमा। सब स्कीमा क्या होती है? द टर्म ऑफ द सब स्कीमा रेफर टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम व्यू एंड डेटा आइटम एंड रिकॉर्ड टाइप विच द यूजर वुड यूज। मैनी सब स्कीमा कैन बी ड्राइव फ्रॉम वन स्कीमा। द सब स्कीमा इज रेफर टू एज ए लॉजिकल व्यू। मीन्स क्या है सब स्कीमा, क्या कह सकते हैं? स्कीमा क्या होती है? एक ओवरऑल जो डेटाबेस का डिजाइन है, ओवरऑल डिजाइन जो भी है डेटाबेस का, उसको क्या बोलेंगे? स्कीमा। और सब स्कीमा क्या होगी? इसमें से कुछ व्यू मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, जैसे मैंने एक स्कूल के नाम से एक स्कीमा डिफाइन की, उसमें मैंने क्या रिकॉर्ड रखा? एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, एक टीचर का रिकॉर्ड रखा। तो सब स्कीमा क्या होगी? इन दोनों को अलग अलग रख दूँ मैं, एक सब स्कीमा मेरी स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगी, एक स्कीमा मेरी क्या क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से, और एक सब स्कीमा मेरी क्या हो जाएगी टीचर के नाम से। तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों को मिला के स्कूल की जो क्रिएट हुई है वो स्कीमा है, और इन दोनों को मैं अदर कैटेगरी में डिवाइड कर दूँ तो वो क्या होगा? सब स्कीमा क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सब स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए सब स्कीमा को क्या बोला जाता है? लॉजिकली व्यू। मीन्स कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखना चाहती हूँ तो उसको क्या बोल सकते हैं? लॉजिकल व्यू या सब स्कीमा। तो ये था मेरा सब स्कीमा और स्कीमा के बारे में और मॉडल के बारे में। आगे पढ़ेंगे हम डाटा इंडिपेंडेंसी कैसे होती है, स्कीमा में क्यों डाटा इंडिपेंडेंसी यूज़ की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब।